बेगम नाजीन कैरन रिकॉर्डिंग्स के साथ मैं हूं सादिया अकबर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अहमदपुर शर्किया मोहल्ला इस्लामपुरा वार्ड नंबर 2 में सीवरेज का गंदा पानी गलियों से घरों में दाखिल होने लगा, जिस पर इलाका मकीनों का बल्दिया अहमदपुर शर्किया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इलाका मकीनों का कहना था कि गंदे पानी की वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया को बार बार सीवरेज निकासी के बारे में शिकायत की मगर कोई हल न निकला, जिस पर तंग आकर बल्दिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। कारोबार करो था रुके कर मजदूर बंदे हैं जो इतना गंदा मच्छर खाते सारे बच्चों को सारे बच्चे बीमार हैं जो सारे रोज 500-400 सारे जवान कमाते घर चांदन वो ऐसा डॉक्टर को दवाई घेना नहीं है। हम सात बच्चे हैं, मेरा दिल करना बच्चा को भी काट दे वाते खुद भी मार बना के जे वाले ये हाल है। पानी सारे घर आने अंदर दाखिल थे गए ये कोई तरीका तो कह नहीं ऐसा तो इतनी परेशान है से आवाम के पता नहीं मेरे पास भी हाल के इस्लाम पूरे चे हाल खड़े थे। डिफेंस के इलाका में पसंद की शादी बर्बादी में बदल गई। 22 साल शमा को खावंद फैसल दोस्तों के साथ डांस करने के लिए उकसा रहा था। ताहम शमा ने इनकार किया तो तमाम दोस्तों ने मिलकर पहले तशद्दुद का निशाना बनाया फिर सर के बाल काट दिए। 22 साल शमा इंसाफ के लिए दर बदर। वन हेपेटाइटिस बी के मरीजों और उनके सैकड़ों रिश्तेदारों ने पाक अफगान शाहराह को शेख फातमा अस्पताल शलाम के सामने हर किस्म की ट्रैफिक के लिए एक घंटे तक बंद कर दी। एहतजाज में शामिल मुजाहरीन ने बैनर भी उठा रखे थे। सैकड़ों मुजाहरीन ने शेख फातमा अस्पताल शलाम में गुर्दों के मरीजों के लिए अलग डायलिसिस मशीन न फराहम करने पर अस्पताल इंतजामिया की मुबैना करप्शन के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। इस मौके पर मुकर्ररीन मौलाना जमील वजीर ने दीगर मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि सब डिवीजन वाना में एक दर्जन से जायद गुर्दों के नाजुक मरीजों के लिए अस्पताल में एक डायलिसिस मशीन भी मौजूद नहीं। मेराज खालिद वजीर KNN 24 जनूबी वजीरिस्तान। डेरा गाजी खान गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कायदे आजम अकेडमी मर्दाना में प्रिंसिपल फरजाना सज्जाद बुखारी साहिबा की जेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 की टीम ने तलबा में इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये तरबियत तकरीबन एक घंटे से जायद वक्त पर दी गई जिसमें बच्चों ने इब्तदाई तिबी इमदाद के बारे में मुकम्मल आगाही दी जिसमें तलबा और उसातजा को बहुत कुछ सीखने को मिला। इस प्रोग्राम में तलबा और उसातजा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कलर कोट के नवाही इलाका चक नंबर 61 DP के रहायशी गरीब मजदूर रब नवाज जो के हादसा में टांगे और बाजू से मजदूर हो गया है और डॉक्टरों की जानिब से इलाज के लिए हजारों रुपए का मुतालबा। बैठा मेरा एक्सीडेंट होया है, बाजू भी टूटा है, लत भी टूटी हुई है, कोई कमाण वाला कारोबार का कोई बाबी वसायल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उन्होंने रोजी दे वास्ते कोई मददगार कोई मदद उम्मीदवार मदद कर देवे उनकी मेहरबानी और शुक्र गुजार हो सा। रेस्क्यू 1122 बखर के जेरे तमाम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद नवीद इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि खेल रेस्क्यूज की फिटनेस और सेहतमंद माशरे के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KNN 24 न्यूज़।